नीचे गेस्ट आए हैं और मेरी चाय हो गई रेडी, एक मम्मी के लिए, एक चाची के लिए, एक भाभी के लिए और एक किस और कोई और उनके साथ उनके लिए, और उनको चाय वाय पिलाकर फिर मैं वापस आती हूँ आप लोगों से बात करने। हैप्पी लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। हमने आप पहली ऐसी लोहड़ी मनाई है जिसमें मेरे पापा नहीं है, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में एक्सपायर हुए थे पापा, तो फिर नहीं मनाई थी हमने लोहड़ी, तो ये हमने ज़्यादा अच्छे से नहीं मनाई बिकॉज ठीक है, एक होता है ना फॉर्मेलिटी टाइप की, स्टार्ट करना था लास्ट ईयर तो नहीं किया था, तो सारे त्यौहार नहीं करने थे, तो इस बार किया है तो थोड़ा थोड़ा ही किया है। और मम्मी है कि वो दास ही है, ये देखो कैसे बैठे हैं। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। पापा के बिना अच्छा सा नहीं लग रहा, इसलिए हमने बस फॉर्मेलिटी से की है। अभी मैं अब हैप्पी लोहड़ी बोलो, हैप्पी लोहड़ी भाई, हैप्पी लोहड़ी बोलो, बोलो हैप्पी लोहड़ी, टिया टिया बोलो हैप्पी लोहड़ी, चीकू इधर देखो मूंगफली खाना, अरे वाह, तो हैप्पी लोहड़ी तो विश करो, हैप्पी लोहड़ी मम्मा, हैप्पी लोहड़ी बोल दो, हैप्पी लोहड़ी मम्मा जी, हैप्पी लोहड़ी। आप भी खा लो ना इन्हीं में से थोड़ा सा, तो चलो फिर अर्घ दे लें, आहुति डाल लें। और यहाँ चल रहा है ये कैप का क्या कर रखा है, ये बच्चों का कमरा है जो हमने मतलब और मतलब कर्टन्स के ऊपर भी हमने ब्लैंकेट लगाए हैं ताकि ये दोनों जनों की नौटंकी चल रही है। मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी वाले हार ऐसे ही बनाए थे, ये थोड़े नहीं, और ये इस तरह से हम लोग मकर संक्रांति को चावल और हमने माह नहीं ज़्यादा डाले बिकॉज मिक्स कर दो तो फिर वो खिचड़ी ही बनती है उसका और कुछ नहीं बन पाता, तो ये मम्मा का है ये वाला और ये मेरा, ये मेरे हस्बैंड का, वो यहाँ नहीं है तो मेरे बेटे ने ही कर दिया, और ये मेरे बेटे का, ये मेरी बेटी का, मतलब ये हमने समर्पित करते ना जैसे वो चीज़ कर दी। हैप्पी मकर संक्रांति, आज जो है देसी हिसाब से मतलब सनातन धर्म के हिसाब से नया साल शुरू होता है, तो मैं आज ही सबको विश करूंगी कि हैप्पी न्यू ईयर, भगवान आपकी, भगवान भोलेनाथ आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें, आप फले फूले, पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं अपने मतलब जो खिचड़ी बनाई है, तो हैप्पी खिचड़ी ऑल्सो, आज खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी जो है वो हम मतलब घी के साथ ही खाते हैं, और पहले हम देवताओं को चढ़ाएंगे, जो भी हमारे कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, यहीं से चढ़ा देंगे, मतलब घर के पास ही, वहाँ नहीं जाएंगे। और बस जो है हमने चावल जो है समर्पित किए हैं वो पंडित जी को दे देंगे, शाम को आएंगे तो, जो कि अभी मैं आगे दिखाने वाली हूँ। और अभी हम अपने देवताओं को धूप लगा करके बस होता है ना जो खिचड़ी है थोड़ी थोड़ी सबके नाम की समर्पित कर देंगे, और दादी दादा की मम्मा ने चढ़ा दी, मेरे पापा को भी मैं जो देनी थी वो गाय को दे आई।
बस मैंने और मम्मा ने यहीं से अपने आंगन से ही देवताओं का आवाहन करके, मतलब कि उनका ध्यान करके चढ़ा दिया है। कहते हैं ना कि मन से ध्यान लो तो सब कुछ हो जाता है, तो वैसे ही कर दिया है। बिकॉज कुछ देवता तो हमारे पुराने घर के पास हैं और वहाँ जाने का मन भी नहीं है, और हमने बस ऐसे टेम्परेरी टाइप किया है कि कोई त्यौहार मनाना था एक साल बाद तो मना लिया। और कुछ लोगों को हो सकता है मैं मोटी लग रही हूँ, बिकॉज सर्दियाँ भी घीवी का टाइम है, घीवी खा रही हूँ मैं, इसीलिए गला भी मेरा ख़राब हो रखा है क्योंकि मैं घी खाने से परहेज नहीं करती चाहे मैं मोटी हो जाऊँ। और सर्दियाँ तो कपड़े तो पहनता ही है इंसान काफ़ी सारे, जैसे इनर पहना, थर्मल पहना, फिर गर्म सूट पहना, स्वेटर पहना, तो मोटा लगता है हर कोई। तो चलो आज की मेरी छोटा सा त्यौहार हमारा लोहड़ी का मन गया है ऑलमोस्ट, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सॉरी, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरा पुराना चैनल भी देखते हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी छोटी सी फैमिली आपको कैसी लगी, मेरी मम्मा, मेरे दोनों बच्चे और मैं, ये बताना ज़रूर, और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, मैं बार बार यही कहती हूँ। बिकॉज़ मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, जो सोशल नेटवर्किंग पे थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं जिनसे चैट वगैरह होती है, फेसबुक पे कितनी की हो पाती है यार, बस वही सब फ्रेंड्स हैं। तो आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे फ्रेंड्स बनिए। और बस अब देवताओं को चढ़ाने के बाद, भगवान जी को चढ़ाने के बाद हम अब हम भी खिचड़ी खाएंगे। तो हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय।